यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक माइल्ड स्टील वायर है जिसकी लेंथ 2L है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वायर की जो लेंथ है दैट इज 2L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है इज स्ट्रेस्ड, इट इज स्ट्रेस्ड हेयर वेल विद इन द इलास्टिक लिमिट हॉरिजेंटली बिटवीन द टू पिलर्स। तो ये वायर है, इस वायर के साथ यहाँ पे ये मास हैंग कर दिया है, मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। तो इस मास को हैंग करने से यहाँ पे जो वेट एक्ट करेगा, मतलब जो फोर्स एक्ट करेगी, वो इस वायर को स्ट्रेच करेगी। आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये ए डी सी है दैट इज ग्रेटर देन दिस ए सी। तो इस सिचुएशन में आपको ये पता लगाना है कि इस वायर के अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। तो स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, सो दैट इज द स्ट्रेन, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस गिवन है और यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जो ये वायर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक्स नीचे डिप्रेस होगी। यहाँ पे ये देखिए सेंटर पॉइंट नीचे डिप्रेस होगा। ठीक, तो हमें जो टोटल लेंथ है वो तो गिवन है, टोटल लेंथ को हम यहाँ पे लिख देंगे 2L। ठीक है, दैट इज द टोटल लेंथ, और चेंज इन लेंथ क्या है डेल्टा एल, ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा उसको देखिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द चेंज इन लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू द लेंथ ए डी प्लस डी सी, ये वाली लेंथ ए डी सी, ये इस टोटल लेंथ में से, नई लेंथ में से अगर हम ए सी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा चेंज इन लेंथ। क्लियर, तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस ए डी प्लस डी सी माइनस दिस ए सी, ए सी इज 2L। क्लियर, तो यहां से आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा और उसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, या इसका एक और तरीका है, आप इस ए बी के करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन लेंथ है वो निकाले, मतलब जो ए डी है, ए डी, ए डी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, तो जो ए डी माइनस ए बी का डिफरेंस है दैट विल बी चेंज इन लेंथ बाय 2, क्योंकि हाफ वायर है तो हाफ वायर में कितना चेंज इन लेंथ है वो निकालें। ठीक है, तो हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो इसके लिए आप ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो यहां से आप देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं ए से लेके बी, ए से लेके बी क्या है लेंथ एल, एल स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ये सिचुएशन बन गई। ठीक, अब जो ये ए डी है, ए डी, ठीक, ए डी को आप क्या लिख सकते हैं एल प्लस डेल्टा एल बाय 2, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने डेल्टा एल बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि इस पूरी के अंदर मैं जो चेंज इन लेंथ है उसको डेल्टा एल मान रहा हूं, तो हाफ वायर में जो चेंज इन लेंथ होगा वो टोटल का हाफ, तो इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करिए, एल स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस डेल्टा एल बाय 4 स्क्वायर प्लस एल इंटू डेल्टा एल। ठीक, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक्स बहुत कम है जिसकी वजह से जो डेल्टा एल है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, और उसका स्क्वायर तो और भी स्मॉलर होगा, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास जो डेल्टा एल आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा एल आ गया। क्लियर, तो स्ट्रेन हमें निकालना है तो हम यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 दिस एल इंटू दिस एल दिस एल स्क्वायर, सो द स्ट्रेन इज एक्स स्क्वायर बाय 2L स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दिस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।